काफी बड़ा सा एरिया है यार, जिस शार्क देखने को मिलेंगी यहाँ पे। भाई को देखो और फिश को देखो, सोचो कितनी बड़ी फिश होगी ये। और ये देख लो स्टार फिश। यहाँ पर आने के बाद लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। सही में इसका नाम रखा गया अंडर वाटर फिश टनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान में लगा है डिज्नीलैंड। लेकिन इस डिज्नीलैंड को आप लोग आइएगा, देख लीजिएगा। यहाँ की सबसे अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो है ना, वो अंडर वाटर टनल एक्वेरियम है, जो कि बिहार में पहली बार यहाँ पर लगाया गया है। तो हम लोग अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार वो अंडर वाटर टनल कैसी दिखती है और एक्वेरियम कैसा लगता है। सो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये डिज्नीलैंड है जो यहाँ पर लगाया गया है। वहाँ से एंट्री गेट है और ये है बाहर निकलने का रास्ता। और यहाँ पर आपको ये बड़ा बड़ा बोर्ड मिल जाएगा, पटना के गांधी मैदान में पहली बार अंडर वाटर टनल एक्वेरियम लगाया गया है। इसके साथ ही साथ ये भी है यूरोप का मशहूर रेंजर झूला भी इसके अंदर है। तो यहाँ से अंदर चलते हैं। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है पटना में। भाई को अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद ये टिकट काउंटर है जहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ लगी। हम लोग यहाँ पर चलते हैं और 20 रुपये का टिकट जो है वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये वो टिकट है डिज्नीलैंड का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपये का टिकट है जिसको आपको लेना पड़ेगा यहाँ अंदर जाने के लिए। और ये वो पूरा रास्ता है जिससे होकर के डिज्नीलैंड में अंदर जाते हैं हम। लोग वहाँ से आ रहे थे और वहाँ से आते आते अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ा सा रास्ता यहाँ पर मिल जाता है जो आपको होकर के अंदर जाना है। और यहाँ पर आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाती है हर जगह पर। थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ऊपर म्यूजिक चल रहा है अभी। और यहाँ से बस अंदर हम लोग जाएंगे। मेले में जैसे ही अंदर आते हैं ना, जो डिज्नीलैंड लगा है उसके अंदर आने के बाद आपको चारों तरफ शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं, दुकानें मिल जाती हैं बहुत सारी। और यहाँ से गुजरते हुए आप जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट का सारा कुछ मिल जाने वाला है, जैसे कि आपको डिज्नीलैंड में झूले मिल जाएंगे, उसके बाद जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं वो मिल जाएगा। तो गाइस, मैं इसी की बात कर रहा था। यहाँ पर पटना में पहली बार आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसा आप बैंगलोर और गुजरात में देखते हैं। अंडर वाटर जो एक्वेरियम बनाया गया, टनल बनाया गया, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से अभी अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर टिकट की बात आप कर लेंगे तो 100 रुपीज़ का टिकट का प्राइस है। और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं 100 रुपये का टिकट ले करके। 5 साल के ऊपर के बच्चों को फुल टिकट लगेगा, बिका हुआ टिकट वापस नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पर बना है फन वर्ल्ड बैंगलोर, ये रहा अंडर वाटर एक्वेरियम। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखते हैं सामने से आपको एक बड़ी सी शार्क मिल जाती है जिसके मुंह के अंदर घुस करके आपको जाना है। और इस साइड में भी कुछ फिशेज आपको देखने को मिल जाएगी और ऊपर में ये दिखा हुआ मिल जाएगा कि आखिर ये किसके तरफ से यहाँ पर लाया गया। तो प्रेजेंटेड बाई फन वर्ल्ड बैंगलोर। अगर मैं इसके साइज़ की बात कर लूँ तो अंदर से काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर जाने के बाद आपको कैसा दिखने वाला है वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, अंडर वाटर टनल एक्सपो, ये सारा अंदर में आपको मिलने वाला है। सो गाइस, इसको क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। वो एंड लुक एट दिस। सही में इसका नाम रखा गया अंडर वाटर फिश टनल, क्योंकि सच में आप अंदर आएंगे तो बिल्कुल ही कलर चेंज हो जाने वाला है। एकदम ब्लू ब्लू सा आपको पूरा इन्वायरमेंट और यहाँ का जो एम्बियंस है वो दिखने वाला है, क्योंकि जैसे समुद्र के अंदर में होता है वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधे अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो ये पहला फ़िश एक्वेरियम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत सारी फ़िशेज आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी कलरफुल फ़िशेज हैं। एक साइड में तस्वीरें लगी हैं कि किस तरह से ओशन के अंदर में होता है, और एक साइड में यहाँ पर एक्वेरियम्स बने हैं। ये दूसरा एक्वेरियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा यहाँ पे आगे और बढ़ गए तो यहाँ पे भी मछली देखने को मिल जाएगी। भाई, मुझे किसी भी फिश का नाम नहीं पता है, तो प्लीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पर नाम हम नहीं दिया गया। पटना में पहली बार जब कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें तो वहाँ पर रहना ज़रूरी था और आपको दिखाना भी ज़रूरी था। आपको यहाँ से जब अंदर ले चलेंगे ना, तब से टनल की शुरुआत होगी और तब समझ में आया कि ये प्लेस क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। वैसे यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। प्लेस कैसा लग रहा है अभी ये वाला? देखो यहाँ पर ये खेल भी रहा है मछली। तो यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के और भी चीज़ें दिखाते हैं। वैसे बहुत सारे फिशेज़
अभी से देखने को मिल जा रही है यहाँ पे। इसका नाम तो मुझे पता है, ये गोल्ड फिश है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी, ये लॉबस्टर है या फिर इसको आप प्रॉन्स कह लो, क्योंकि ये झींगा ही की प्रजाति के मुझे लग रहा है। और काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम बजाबते इसके अंदर रॉक्स को लगाया गया है, और उसके बाद जैसा इन लोगों का लिविंग कंडीशन होता है कुछ इसी तरह का इनको डिज़ाइन भी यहाँ पर किया गया। और ये देखो आप, यहाँ पर आने के बाद कुछ और फिशेज मिल जाती है हमें। काफ़ी बड़ा सा टनल यहाँ पर बनाया गया है जिसके अंदर आप घूम घूम कर फिशेज को देख सकते हो, आनंद उठा सकते हो। यहाँ पे स्टार फिश भी है, वाह। और ये देख लो स्टार फिश, आप ऐसे स्टार फिश चीज में देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देने वाली। बहुत दूर वाला टनल पार करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे, क्यों भाई? एक साइड वैसे घूमा फिर दूसरे साइड आकर के वो देखो आप, वहां से हम लोग आते हुए यहाँ तक पहुंचे। और भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, पटना में ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है। नहीं, यहाँ पर मछलियाँ तैर रही है। टनल देख लिया आपने? जी सर, अभी अभी जा ही रहे थे तो फिर आपको देखे सर। तो क्या बात है, क्या बात। तो अभी चलिए हम लोग टनल देखते हैं और भी आगे देखते हैं ना। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं टनल के अंदर और इसी का जिक्र हो रहा है। यहाँ से बहुत दूर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ मछली, ऊपर में भी मछलियाँ हैं और यहाँ पर नीचे में भी चारों तरफ सिर्फ मछलियाँ मिल जाती हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और अट्रैक्ट करेंगी, जैसे कि ये फिश हो गई, और भी बहुत सारी फिशेज है। वैसे नाम मेरे को नहीं पता है और नाम यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है, तो अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाता हूँ और लोग आकर के इस जगह को फील कर रहे हैं। तो पटना में पहली बार जब कुछ ऐसा हो रहा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उस चीज़ को अपने जो क्वालिटी टाइम है उसको समेट कर घर ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी मछलियाँ जो है वो एक साथ इकट्ठा है, और शायद हो सकता है कि हम लोग को देख करके यहाँ पे इन लोग इंजॉय करने के लिए आगे थोड़ा सा पार्टी करने के लिए, तो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है और हम लोग भी यहाँ पर शूट कर रहे हैं। यार काफ़ी अच्छा होता है ना जब बिहार में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ से और अंदर चलते हैं, बहुत लंबा है क्या हो? तो यहाँ से और अंदर चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको कितनी सारी मछलियाँ हैं अभी यहाँ पर। और यहाँ पे अरुण भाई भी है, तो काफ़ी देर से मचा रहे थे तो बीच में हम लोग सोचे कि तो आप ही मचा रहे थे भाई। शार्क देखने को मिलेंगी यहाँ पे, और इस साइड में और भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त मछलियाँ देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ा सा एरिया है यार जिसको आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। जो ये मछलियाँ ना पिराना आई थिंक ये है, अगर आपको इसके बारे में पता हो कुछ और नाम तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना अगर मैं गलत हूँगा तो। लेकिन ये टनल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आने के बाद लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस प्लेस को। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इस तरह की चीज़ जनरली देखने को मिलती नहीं है। जब मैं गया था अहमदाबाद तो वहाँ पर कुछ इस तरह का देखा था, और उसके बाद बैंगलोर में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन पटना में जब इस तरह की चीज़ आई है ना तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। खास करके इसका जो नाम है वाटर टनल एक्वेरियम, इसी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोग और यहाँ पर आकर के घूमना चाहते हैं, थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं और यहाँ से कुछ यादें लेकर के जाना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा जगह है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आइए पटना के गांधी मैदान में और आकर के यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। ये था वाटर टनल, अभी यहाँ से आगे निकलते हैं, झूले की आवाज़ आ रही है। ये वाली मछली बहुत बड़ी है, खड़े हो जाना तो यहाँ पे भाई को देखो और फिश को देखो, सोचो कितनी बड़ी फिश होगी ये। यहाँ पर अलग अलग झूले लगाए गए हैं और उसके साथ ही साथ वाटर बोटिंग भी है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी थी ये वाटर टनल एक्वेरियम, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। और काफ़ी ज़बरदस्त बना है, एक बार आइए यहाँ पर देखिए। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सर, आप ही ने आपको देखा है चाय वाली। थैंक यू मैम, थैंक यू। हां, मिला लीजिए। नाइस टू मीटिंग यू। थैंक यू। तो यहां पर आइए और आकर के आप इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको भाई साहब मिले नेक्स्ट फ्लो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।